तो आज हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन हैं जिनका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर उनको रट भी लेंगे। फिर रटना पड़ेगा भाई, बार बार उसको करोगे तो समय बहुत वेस्ट होगा, और ऐसे बार बार कॉमनली आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस भाई साहब से, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से। ठीक, अब इसको देखो, तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, dx अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। ठीक, अब ये ए ए दिख रहा है ना, ऊपर नीचे 2a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्या ही फर्क पड़ा। ठीक, अब ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, बहुत चमत्कार होने जा रहा है, एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए, दिख रहा है क्या, किसी को तो बता दो। देखो भाई, ये माइनस एक्स खत्म, ए और ए 2a खत्म। तो अभी तक हमने कोई भी ऐसा मैथ्स के नियमों के साथ छेड़छाड़ नहीं किया है, सिंपल है सब कुछ। अब आगे का प्रोग्राम शायद तुम्हारे दिमाग में चमक गया होगा कि ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस ए डी एक्स। ठीक, तो ये स्वाहा, यहाँ पे ये स्वाहा, ठीक है ना, तो ये 1/2 है। अब तुम लोग को दिख रहा होगा, तो ये क्या है, लॉग एक्स माइनस ए, लॉग मॉड एक्स माइनस ए, सॉरी। ठीक है, और ये क्या है, लॉग मॉड एक्स प्लस ए, दिख रहा है क्या, किसी कोई दिक्कत इस बात से, बोलो। ठीक, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/2a लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, रटना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब इसी में दूसरा देखते हैं, इसी का भाई बंधु है ये भी। दूसरा हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका मैं पूरा करवाऊँ या तुम लोग सेम प्रोसीड कर लोगे भाई, इसको क्या लिखोगे, ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, 2a 2a ऊपर नीचे, फिर इस बार इसको ए प्लस एक्स इंटू माइनस ए माइनस एक्स लिख देना, एक्स एक्स फिर से स्वाहा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये काट पीट के ले आओगे तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा, 1/2a लॉग मॉड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हो जाएगा ना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। हम लोग इस पे चलते हैं, तीसरा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है भाई, इसके साथ ये वाली स्कीम तो काम करेगी नहीं, है ना, लेकिन बुद्धि लगाने पे, बुद्धि क्या लगाना है यार, इसका सब्स्टिट्यूशन है सिंपल, एक्स इज इक्वल टू ए, क्या लिखा जाए, सेक की टेन कौन सा लिया जाए, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा होता है 10 स्क्वायर थीटा ना, तो एक्स को अपन ए सेक थीटा लिख देते हैं, चलो तो 1 a sec थीटा लिख दिया, तो ये क्या बन गया, डी एक्स निकालो पहले, तो क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा का डिफरेंशिएशन, सेक एक्स टेन एक्स होता है, तो सेक थीटा टेन थीटा हो जाएगा। एक सेकेंड, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अपन एक काम करते हैं, टेन थीटा लेते हैं, चलो तो ए टेन थीटा लेंगे, तो ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन डी एक्स की जगह लिखना है ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे क्या होगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, तो ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये खा जाएगा एक दूसरे को, एक ए इसको खा जाएगा, क्या मिलेगा, 1/a बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, क्या मिलेगा भाई, 1/a थीटा प्लस सी, 1/a थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ अपने पास है क्या, अपन लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए लिख सकते हैं क्या, तो 1/a टेन इनवर्स
एक्स अपॉन ए प्लस सी, क्या ये बात समझ में आई? तो इसका क्या होगा, 1 बाई ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक। तो ये अपना तीसरा, क्या ये बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम लोग अभी और भी कई सारे देखेंगे, पहले इतना नोट करो फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं। चलो तो नेक्स्ट जो हम लोग लेंगे वो है ये वाला, कौन सा नंबर है भाई, चौथा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या करें, तो देखो यहाँ भी x को कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ हम लोग x को a sec थीटा लिख देते हैं, x इज इक्वल टू a sec थीटा, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से dx क्या हो जाएगा, a sec थीटा tan थीटा d थीटा, बताओ कोई दिक्कत? अच्छा तो यहाँ से अपन अब क्या लिखेंगे, देखो मैं ना सॉल्व कर लेता हूँ पहले, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस वन, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगा, इंटीग्रेशन dx की जगह पे क्या लिखेंगे अपन, a sec थीटा tan थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ये इसको और इसको खा जाएगा, मिलेगा क्या अपने को, इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा d थीटा, यही मिलेगा ना, पक्का ना। तो इसका याद होगा तुम लोगों को, क्या था इंटीग्रेशन, log ऑफ mod sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c, ठीक है यही था ना। लेकिन अभी काम ख़त्म हुआ नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास थीटा है, हम x में कर रहे थे भाई साहब, तो sec थीटा को क्या लिखोगे, x बाई ए, यहाँ पे अपने को sec चाहिए और tan चाहिए, तो भाई tan थीटा कैसे निकलेगा, tan थीटा इधर से निकलेगा क्या, अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस वन, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, हाँ, तो ए स्क्वायर जो है वो ए बाहर निकल आएगा, एक सेकेंड, sec स्क्वायर थीटा माइनस वन है ना, तो यहाँ मैं गलत क्यों लिख दिया, वन माइनस sec स्क्वायर थीटा क्यों लिख दिया यार, sec स्क्वायर थीटा माइनस वन ना होता है, धत तेरी की, वेरी लिटिल मिस्टेक, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। अब उसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो लॉग sec थीटा क्या है, एक्स अपॉन ए, प्लस टेन थीटा क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी, ठीक है ना। तो लॉग मॉड ये एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए, ठीक है कि नहीं, यहाँ एलसीएम लोगे ए, फिर वो डिवीज़न में लॉग ए हटाओ, ये अब इन सारे को मिला के एक कांस्टेंट बना देते हैं, बना सकते हैं ना। तो इसका क्या इंटीग्रेशन होगा, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, बताओ किसी कोई दिक्कत इसमें, कर लोगे इस टाइप का। तो देखो बेसिकली ये है कि इसमें तुम लोगों को सारे फॉर्मूले रटने पड़ेंगे ये वाले, क्योंकि अगर तुम सोचोगे कि ये क्वेश्चन आया इस टाइप का, अब इसको तुम उसी टाइम एग्ज़ाम में डिराइव करने जाओगे तो तुम्हारा सारा समय निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट जो अपना रहेगा वो है पांचवा, जो कि कुछ ये है, पाँचवा है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये है भाई, ठीक ना। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा से सबसे फिट बैठ रहा है, तो क्या करें अपन, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं। तो ये ए कॉस थीटा बाहर निकलेगा, दिख रहा है सबको, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ
डी एक्स अपॉन ए कॉस थीटा, यहाँ से डी एक्स निकालो जरा, तो डी एक्स क्या होगा, ए कॉस थीटा डी थीटा, हाँ या नहीं? तो इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ए कॉस थीटा स्वाहा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा क्या मिलेगा, थीटा प्लस सी। थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए लिखोगे, साइन इनवर्स एक्स बाई ए लिखोगे, तो तुम फाइनल इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। समझ में आया क्या, सिंपल है वैसे, कुछ सिंपल है कुछ थोड़ा ज़्यादा लंबा चला जाता है, बट ठीक है याद कर लो ज़्यादा बेटर रहेगा सबको। चलो तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, छठवा है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करें, तो देखो ये वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनाया जा सकता है इसको, तो अपन क्या करते हैं x को a tan थीटा एज्यूम कर लेते हैं। तो ये आगे का मेरे हिसाब से स्कीम तुम्हारा वो सिमिलर हो गया क्या, जहाँ पे अपन a sec थीटा लिए थे चौथे केस में, है ना, तो उसको सेम तरीके से इंटीग्रेट करोगे तो आंसर भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलेगा। जिसका इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा log mod x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो ये खुद से ट्राई कर सकते हो, सिमिलर है इसलिए इस पे अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम लोग देंगे ये है अपना सेवेंथ नंबर, इसमें क्या है अपने को इस टाइप का जब इंटीग्रल दिया हो, डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसको क्या करें, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को अपन ना कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना चाहेंगे, तो पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है इसको देखो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, इसको ए से डिवाइड कर दो, मतलब ए बाहर निकाल दो, तो क्या लिखोगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, ठीक है। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्या करते हैं अपन, स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, फिर टू एक्स इंटू क्या मल्टीप्लाई हुआ, देखो बी बाई ए का स्क्वायर ना, बी बाई ए कि बी बाई टू ए, क्योंकि इस बी बाई इसको अपन इससे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, बी बाई टू ए, ठीक। तो अपन क्या करेंगे, बी बाई टू ए का स्क्वायर को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और प्लस सी बाई ए। अब यहाँ से यहाँ तक का जो आइटम है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस बी बाई ए का बी बाई टू ए का होल स्क्वायर और माइनस बी बाई टू ए का स्क्वायर प्लस सी बाई ए, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन अपना, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ये ए और फिर क्या मिलेगा, एक्स प्लस बी बाई ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी बाई टू ए का स्क्वायर प्लस सी बाई ए, ठीक है। अब देखो ये a को बाहर लिख देते हैं और इसको अपन t ले लेंगे, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा अपना कार्यक्रम, ठीक है ना, ये t हो जाएगा तो dx dt के इक्वल मिलेगा अपने को, नीचे t स्क्वायर माइनस समथिंग मिलेगा, तो फिर वो अपना जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का किसी एक में फिट बैठ जाएगा, तो फिर उसका डायरेक्ट अपन फॉर्मूला लगा देंगे, समझ में आया। तो ये बस ट्रिक सिखाना है कैसे अपन को प्रोसीड करना है ऐसे सवाल, क्या ये बात समझ में आई। तो ये फाइनली ये तुम लोग जब इसको टी सब्सटीट्यूट कर दोगे तो ये किस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा वन बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस माइनस सम कॉन्स्टेंट का स्क्वायर, या नहीं हुआ तो भी बना लेना उसको स्क्वायर, थ्री हुआ मान लो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या रूट थ्री का स्क्वायर मानने में क्या बुराई है, ठीक। चलो नेक्स्ट टाइप जो है अपने पास वो कुछ इस टाइप का है कि जब हमको इस टाइप का करना हो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसको देखो भाई, ये और ये में तो बहुत सिमिलैरिटी है, ये वाली स्कीम यहाँ पे भी अप्लाई कर देना, फिर ये किस टाइप के फॉर्मेट में आ जाएगा, वन बाई ए डी टी अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर, फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया,
इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, हो जाएगा ना। ठीक है, अब नाइन्थ वाला जो है ये थोड़ा सा स्पेशल है। नाइन्थ वाला क्या है कि ये बोलता है इस टाइप का कि पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये स्पेशल क्यों ले रहे हैं देखो, अगर ये ऊपर जो होता ये टू ए एक्स प्लस बी होता तो अपन डायरेक्ट टी लेते नीचे को और काम ख़त्म, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ऊपर का पॉलिनोमियल कुछ अलग है। तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें अपन पी एक्स प्लस क्यू को लिख सकते हैं ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस बी। ठीक है, तो ये क्या आएगा a इंटू, ये क्या आएगा टू ए एक्स प्लस बी प्लस कैपिटल बी। ठीक है ना, तो ये पी एक्स प्लस क्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दोगे, एक टर्म मिलेगा दिस अपॉन दिस, एक मिलेगा b अपॉन दिस। देख लो एक बार, मैं लिख देता हूँ, और प्लस b अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। तो ये तो t लेके बन जाएगा, और ये इधर मैं दो मेथड अभी देखे ना, ये वाला इससे बन जाएगा। ठीक है ना, और ये a और b का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, तो भाई यहाँ नंबर रहेंगे उनको कंपेयर कर लेना दोनों साइड को, मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों के कोफिशियंट मैच कर लेना, ये x का कोफिशियंट यहाँ क्या मिलेगा 2a कैपिटल a, यहाँ p मिलेगा, तो वहाँ से कैपिटल a निकाल लोगे और कांस्टेंट टर्म्स को मैच करा लेना, उससे तुमको b मिल जाएगा, पुट कर लेना। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, इसी का एक और भाई बंधु हो सकता है, तो यहीं ले लेते हैं दसवां नंबर। तो ये किस टाइप का होगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हाँ भाई, इसको क्या करना है, सेम प्रोग्राम है, सेम प्रोग्राम मतलब ये वाला ऐसे ही लेना है, ये मिलेगा। अब यहाँ रूट होगा दोनों केस में, तो यहाँ टी लोगे तो इसको तो कर लोगे, क्योंकि वन बाई रूट टी तुमको मालूम है। ये वाला इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मिल जाएगा, तो वहाँ से निपटा लोगे, समझ में आया। ठीक है, तो इसको नोट करो, अब इस पर अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिर, तो और फील आएगा, क्योंकि ये नंबर्स देख के b बाई टू ए का स्क्वायर से देख के वैसे ही डर लग जाएगा, तो थोड़ा जब नंबर वहाँ कॉन्स्टेंट्स रहेंगे तो ज़्यादा आसानी से ट्रीट कर पाओगे। चलो, तो पहला सवाल लेते हैं, इंटीग्रेट द फॉलोइंग। पहला है अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो ये कैसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो कैसा फॉर्मेट है ये, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो तुम लोग एक चीज़ ध्यान रखना कि जितनी बार भी क्वेश्चन को करो उतनी बार इसका जो फॉर्मूला हो ना उसको ज़रूर लिखो। क्यों, इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि याद हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, इकट्ठा याद करने जाओगे तो नहीं होगा। तो अब यहाँ से तो फॉर्मूला देख के ए की वैल्यू कितनी है, 4 है ना, तो क्या आएगा 1/2 इंटू 4 लॉग एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस सी। समझ में आया क्या, तो फॉर्मूला बस इसमें ज़रूरी है, तुमको अगर फॉर्मूला मालूम है तो तुम किसी भी सवाल को इसके कर सकते हो, फॉर्मूला लिखना मत भूलना। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं, नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या किया जाए, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में कैसे भी बदलना पड़ेगा। ठीक है, अब ये माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या करें, अगर इसमें अपन देखें तो डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 ऐड कर दो, ठीक है, और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, और फिर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉमन ले लो, 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, ये क्या है, x माइनस 1 का स्क्वायर, आया नहीं। अब x माइनस 1 को t लेना है, dx को dt लिखना है, इतना लंबा करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लीनियर है, तो दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट इसको x की जगह पे यूज़ कर सकते हैं अपन। ठीक है ना, तो अब इसका फॉर्मूला क्या है, तो ये कौन सा फॉर्मेट
में है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, तो रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या था फॉर्मूला भाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या था साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी था। तो अपना आंसर क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन ए तो वन है तो छोड़ो प्लस सी। समझ में आया करना क्या है? तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं होता इसमें, बसरते कंडीशन बस इतनी सी है कि आपको फार्मूला आना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं आता तो कुछ भी कर लो, सॉल्व करना बहुत मुश्किल है इसमें। ठीक है चलो नोट करो इतना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब ये तुम्हारा ये कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर वाला जो था उसका एक और क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थर्टीन। तो क्या करोगे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थर्टीन को लोगे। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में करना है तो क्या लिखूँ, एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू कितना है थ्री है, तो प्लस थ्री का स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस थर्टीन। इस पूरे को क्या लिखा मैं, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, और ये क्या है थ्री थ्री जा नाइन, माइनस नाइन प्लस थर्टीन कितना आया प्लस फोर। ठीक है तो ये इंटीग्रेशन क्या बन गया, डी एक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया क्या, इसको टू का स्क्वायर लिख देते हैं कन्फ्यूज़न दूर। अब इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है तुम्हारा एक्स माइनस वन को टी ले लेना, नहीं लेंगे अपन डायरेक्ट लिख देंगे, ए कितना है टू, फिर टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी हो गया। तो बहुत हार्ड नहीं है, सिंपल ही है। अब एक और क्वेश्चन देखो, एक और है इसी टाइप का सेम टू सेम, डी एक्स अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थर्टीन एक्स माइनस टेन। तो क्या करोगे भाई, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थर्टीन एक्स माइनस टेन को लोगे। ठीक, थ्री से बाहर निकालोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस थर्टीन बाई टू, थर्टीन बाई थ्री एक्स माइनस टेन बाई थ्री। ठीक, अब उसके अंदर में कंप्लीटिंग स्क्वायर आराम से लगाना और आंसर निकालना, ये तुम लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे ना। एक्स स्क्वायर हो गया फिर प्लस टू इंटू एक्स, अब क्या करना है, क्या कौन सा नंबर लाए, बहुत बेसिक ट्रिक बता रहा हूँ, थर्टीन एक्स बाई थ्री लाना है तुमको, उसको टू एक्स से डिवाइड कर दो, एक्स एक्स कटेगा थर्टीन बाई सिक्स आएगा, यहाँ पे थर्टीन बाई सिक्स पुट कर दो। अब थर्टीन बाई सिक्स को ऐड करो स्क्वायर को, सब्ट्रैक्ट करो थर्टीन बाई सिक्स का स्क्वायर और माइनस टेन बाई थ्री, इस पूरे को स्क्वायर लिख लेना, ये कॉन्स्टेंट निकाल लेना और डायरेक्ट वही फॉर्मूला तो लगना है, तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, इसको तुम लोग खुद से कर लेना बाकी आगे का कंप्लीशन, कोई दिक्कत इसमें कर लोगे ना। चलो तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा जगह नहीं है, चलो ये वाला घर से कर आना, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है डी एक्स अपॉन अंडर रूट, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। ठीक है, तब करना क्या है, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स लेना है, फाइव को बाहर निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस टू बाई फाइव एक्स, आगे कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, इसमें इसमें डाल देना, फिर वो रूट वाला एक कोई एक स्टैंडर्ड फार्मूला बन जाएगा, फिर सॉल्व कर लेना, सिंपल है, कुछ खास करना नहीं है इसमें, तुम लोगों को बस ये ट्रिक पता होनी चाहिए करना क्या है, बाकी तो ये होता बड़ा आसान है। ठीक है, नेक्स्ट एक और देखते हैं इसी में। तो नेक्स्ट अपने पास है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस टू अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव डी एक्स। तो इसका अपन क्या सीखे थे भाई, अपने क्या लेना है, एक्स प्लस टू को अपन को लेना है ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव प्लस बी। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो फटाक से, देखो कितना आ रहा है, ये तो बहुत सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, आराम से तुम लोग लिख सकते हो। क्या लिखोगे, ए इंटू क्या आएगा यहाँ फोर एक्स प्लस सिक्स प्लस बी, तो यहाँ से देखोगे तो क्या लिखोगे फोर ए एक्स प्लस सिक्स ए प्लस बी, और इधर क्या है एक्स प्लस टू, तो कंपेयर करो भाई, तो फोर ए इज इक्वल टू वन, सो ए इज इक्वल टू वन बाई फोर, अब ए वन बाई फोर मिला, टू इज इक्वल टू सिक्स एक्स प्लस सिक्स ए प्लस बी, यहाँ से टू इज इक्वल टू सिक्स इंटू वन बाई फोर प्लस बी,
तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 3 ये 2, तो b इज इक्वल टू 2 माइनस 3 बाई 2, तो कितना आएगा 4 माइनस 3 बाई 2, कितना आएगा 1 बाई 2, ठीक है ना। तो अपन अब क्या लिखने वाले हैं इस भाई साहब को, इस भयंकर से प्राणी को अपन लिख देंगे, a की जगह क्या लिखना है 1 बाई 4 इंटू 4x प्लस 6 और प्लस 1 बाई 2, इसके साथ डिवाइड हो जाएगा 2x² + 6x + 5 और इसके साथ डिवाइड हो जाएगा 2x² + 6x + 5। तो ये दोनों दो अलग अलग इंटीग्रल में बढ़ गए, ये 1/4 ∫ 4x + 6 dx अपॉन 2x² + 6x + 5 और ये क्या हो गया 1/2 ∫ dx अपॉन 2x² + 6x + 5। तो ये तो भाई फुद्दू है, इस भाई साहब को टी लेना एक सेकंड में, इस भाई साहब का क्या करोगे अलग से लोगे 2x² + 6x + 5, फिर 2 निकालोगे बाहर तो x² + 3x + 5/2। अब इसके साथ करोगे कंप्लीटिंग स्क्वायर और अभी जो दो क्वेश्चन देखे उसके सिमिलर कॉपी पेस्ट करोगे तो तुम लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो जनरली करना क्या, इसको ना दो अलग अलग इंटीग्रल में इस टाइप से लिख लेना 1/4 I1 + 1/2 I2 और फिर I1 को अलग से सॉल्व करना, I2 को अलग से सॉल्व करना और लिख देना फाइनल आंसर, ठीक है। और एक और चीज़ तुम लोग को क्या याद रखनी है, एक और चीज़ याद रखनी है कि जब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर में समथिंग ये अजीब टाइप का फॉर्मेट जो यहाँ बनेगा ना, तो वो जो x - k/something ऐसा अपना मिला था ना, तो तुम लोग उसको हमेशा अपने सोल्यूशन में x - k = t फिर dx = dt ये स्टेप्स लिखना। मैंने नहीं लिखवाया है क्योंकि वो ऑब्वियस से दिखता है तुम लोगों को, जैसे x - 3 को अपन डायरेक्ट यूज़ कर लिए साइन वाले में, लेकिन हमने एग्जाम में लिखना है इसको ना, तो उसको लिखे बिना नहीं छोड़ना क्योंकि नंबर कट जाएंगे, आता ये 5 नंबर का है तो नंबर ज़रूरी है ना। चलो इतना नोट करो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो कुछ ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ x + 3/(under 5 - 4x + x²dx), ठीक है। अब इसको भी देख के फीलिंग तो आ ही गया होगा, करना क्या है भाई, तो x + 3 को क्या लिखना है a(d/dx)(5 - 4x + x²)(b), तो क्या लिखोगे a(-4+2x+b), यहाँ से क्या आया -4a + 2ax + b, इधर क्या है x + 3, तो ये इसको और इसको कंपेयर किया तो 1 = 2a, सो a = 1/2, इसको और इन दोनों को कंपेयर करोगे b - 4a = 3, b - 4 × 1/2 = 3, ये कितना हो गया 2, तो b - 2 = 3, b = 5 आ गया। अब क्या करना है भाई, अब इसको अपन लिख देंगे इंटीग्रेशन a (-a)(2x - 4), ठीक है ना, तो 1/2 × 2x - 4 + 5, इसके साथ आ जाएगा √5 - 4x + x², इसके साथ आ जाएगा √5 - 4x + x², ठीक है कि नहीं। अब इसमें क्या करना है, तो ये नीचे वाले आइटम को लोगे t, या ये दो इंटीग्रेशन में अलग अलग बन जाएगा, यहाँ मैं थोड़ा और लिख देता हूँ, तो ये 1/2 ∫ 2x - 4 dx / 5 - 4x + x² और ये हो जाएगा 5 ∫ dx / √5 - 4x + x². अब इसको लेना है t और ऊपर रहे dt, दिख रहा है क्या 2x - 4 dt है ना, तो वो तो स्वाहा हो जाएगा। अब इसको लेना है अलग से 5 माइनस, या इसको ऐसे क्यों लिख रहा हूँ मैं, x² - 4x + 5, ठीक है, फिर x² - 2 × 2x, या इसको ऐसे लिखो 2 × x · 2 + 2² - 2² + 5, तो ये हो गया, ये हो गया, तो ये क्या बन गया x - 2 का स्क्वायर - 1 + 1, पुट कर दोगे फिर x - 2 को t लिखोगे और सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा। तो इतना तुम लोग घर से ट्राई करके आओ और उसके बाद एक्सरसाइज 7.4 में 25 क्वेश्चंस हैं, उनको ट्राई करो और इन्जॉय करो।